गरीब है कि अपने रुमाल के हवाले कर सकते हैं। मेरे लाल करवाने वालों, शहजादी सकीना का मसाइल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सुनो, चार बरस का सीन है सकीना का, आपने तारीख में किसी से सुना है? अगर वसीयत कोई करता है तो बुढ़ापे में करता है। चार बरस किसी में किसी ने वसीयत की है? अगर है तो वह सकीना। चार बरस में बाबा शाम में सकीना ने एक ही जुमला कहा बार बार का, जब बाबा काम में आए सकीना तड़प के उठी, उठने के बाद कहा फूफी अम्मा बाबा कहा है, फूफी अम्मा बाबा कहा है। एक मतलब ज़ैनब खामोश है, कुछ नहीं बोलती है। कहा बेटा मत पूछो, सो जाओ। सकीना कहती है हाँ फूफी अम्मा मैं सोई थी, तो आपने बाबा आए मुझे अपने गोदी में बैठाया था, प्यार किया था। उसके बाद जब जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा तुम्हारे पापा भी नहीं आ सकते, एक मरतबा दरवाजे का रुख करके जनाब सकीना ने एक ही जुमला कहा, अरे ज़ालिमों मेरे बाबा से मुझे क्यों नहीं मिलने देते। अब इस एक लफ्ज को शायर ने मुसद्दद बना दिया, नाहा बना दिया। औलाद वालों का मजना ना, जिसकी गोदी में बच्चे में दुआ करता हूँ शहजादी सकीना के सदके में, परवरदिगार उनकी गोदियां सलामत रहे। मेरे महमूद मुझे सकीना ना देते, जहां तक कोई आवाज नहीं सुने हर
जब मैं मर जाऊं तो मैं
Abbas,
उस वक्त भी मैंने आप हजरत से दरख्वास्त की थी, उस वक्त अंजुमन मासूमिया से बात मसरू किसी नजरी के जफर हसन इस अंजुमन के एक सर थे सिपाह मैं नहीं बल्कि पूरा जहाँ है। अब मैं खुद एक बात को आपसे अर्ज कर दूँ, हर साल जब इंसान जब बिलाल मेरे साथ आया करते थे, उससे मुलाकात करते थे। जिस वक्त मैंने उनके इंतकाल की खबर सुनी है, आप यकीन करिए बहुत देर तक मैं सोचता रहा और मुझे यकीन। उसके बाद मैंने कई एक वीडियो क्लिप्स देखी उनके जनाजे से मुताल्लिक। मोमिन का इतना बड़ा हुजूम, उससे मुझे ये इस बात का अंदाजा लगा कि वो सिर्फ एक सिपाह का फर्ज नहीं था, बल्कि पूरे जौनपुर का बहुत मोहब्बतों से याद किया जाने वाली शख्सियत। तमाम मोमिन और मोमिना की खिदमत में मैं गुजारिश करता हूँ, बर गरम एक बार सूर्य हम और तीन बार सूर्य Yeah.
Oh!
तुमको दफनाऊं कैसे सके।
तुम्हारे तपाचे गोश्वार
कहूंगा